नमस्कार, मैं प्रतीक गुलदिया, आप देख रहे हैं नेशन वन। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक खास चर्चा के लिए शिवसेना के प्रांत प्रमुख गौरव कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी। प्रतीक जी, आज हम इनसे चर्चा करेंगे त्यौहार की। जो राखी का त्यौहार नज़दीक है, उसमें हम जानना चाहेंगे गौरव जी की राय। पहली बात गौरव जी, आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आपको भी बहुत बहुत बधाई। गौरव जी, महामारी के इस दौर में राख त्यौहारों का जो चलन शुरू हो चुका है, जिसमें राखी एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना अलग होने वाला है इस बार राखी का जो त्यौहार? पिछले जो 4-5 महीने बीते हैं जी, इस काल की शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा भी कभी होगा जी। और ये जो कोरोना काल आया है, ये बिल्कुल ही समझ से परे रहा सिस्टम की, पूरे विश्व के अंदर जो महामारी ये फैली है। और आज जो है हर चीज़ का स्वरूप, आज अगर आप संबंधों की बात करें, आज अगर आप त्योहारों की बात करें, आज अगर आप बाज़ारों की बात करें, हर चीज़ जो है बिल्कुल बदल गई है। और लोगों ने अपने आप को उस चीज़ में ढाल लिया, ख़ासतौर से हिंदुस्तानियों ने अपने आप को उस चीज़ के अंदर ढाल लिया है। और उसी के तरीके से अभी जैसे कल बात हो रही थी कि भाई बहनें अपने भाई को राखी नहीं भेज रही हैं, अगर भेज रही हैं तो उन्हें कह रही हैं भाई सैनिटाइज करके भैया पहनना, आप अपने हाथ में मौली बांध देना। नहीं तो एक उत्साह, एक जो परंपरा थी, आज वो उत्साह जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। जैसा गौरव जी आपने बताया कि कहीं ना कहीं महामारी के चलते त्यौहार में भी एक खासा फर्क देखने को मिला है, और बहुत बड़ा जो मुद्दा है वो है सोशल डिस्टेंसिंग का। तो त्यौहारों में आमतौर पे एक मेल मिलाप का त्यौहार माना जाता है राखी, तो इस बार सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे पालन किया जाए कि त्यौहार भी मनाया जाए और कहीं ना कहीं महामारी को भी रोकथाम के लिए हमें एक कदम उठाने चाहिए, ऐसा क्या संदेश? देखिए, अब सब चीज़ें सरकारों पे छोड़ना तो संभव नहीं है उस सब चीज़ों के लिए। और देखो, जब तक कोई वैक्सीन नहीं आई है तो सोशल डिस्टेंस ही एकमात्र बचाव का जरिया है, और उसी को सब लोगों को, अगर हम लोग चाहें तो हम लोग उसका पालन कर सकते हैं और उससे बचा जा सकता है। गौरव जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे कि आगामी 5 तारीख को राम जन्मभूमि में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है, और शिवसेना की हमेशा से एक लड़ाई रही है राम मंदिर, जो हिंदुत्व का एक अस्तित्व माना गया है, बाला साहब जी का एक आइडियल चीज़ थी कि कहीं एक बार को बाला साहब ने इसमें बहुत बड़े आंदोलन किए थे, कहीं ना कहीं वो आज सच होने जा रहा है, तो उसमें शिवसेना का क्या स्टैंड है? मैं आपको बताऊं कि हम भी जो अगर आज यहां बैठे हैं तो राम मंदिर के कारण ही बैठे हैं। 1989 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चरम पे था तो हम लोग भी शिवसैनिक बने, और बाला साहब के जो इतने जो नारे थे, बाला साहब के जो बयान थे, उन सब चीज़ों को देखते हुए सोचते हुए हम लोग शिवसैनिक बने। और हम लोगों ने यहाँ से लेके अयोध्या तक जो है सफ़र किया, बाला साहब के आदेशों का पालन किया। 6 दिसंबर 1992 को जब वो ढांचा टूटा, तो उसके बाद अपने आप को हिंदुत्व का ठेकेदार कहने वाली एक पार्टी ने अपने आप को उससे किनारे कर लिया। लेकिन तब भी जो है वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे ने आगे आके कहा कि अगर ऐसा मेरे शिवसैनिकों ने किया तो मैं उन पर गर्व करता हूँ। तो ये उनकी एक मन की इच्छा थी कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। और उसी में जो है एक बड़ा हर्ष का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार जो है राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और कुछ लोग अपने श्रेय लेने के लिए लगे हैं, लेकिन करोड़ों लोगों की आस्था का ये राम मंदिर है, तो एक बहुत ही हर्ष का विषय है और सब लोगों को अपना दिल खोल के उसको मनाना चाहिए, ऐसा मैं। जैसे कि सर, एक निवेदन किया जा रहा है कि एक दिवाली के रूप में 5 तारीख को मनाया जाएगा, तो सर एक सद्भावना का माहौल किस तरीके से देश में मनाया जा सके, जिस तरीके से एक लगे कि किसी वर्ग को ठेस न पहुंचे राम मंदिर बनने से, ये आप इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आज दोनों संप्रदाय के लोग उस चीज़ को मान चुके हैं, सब लोगों ने माना है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं है। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखो, एक हमारा देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, और हमें उन सब चीज़ों को मानना चाहिए कि दूसरे का धर्म, पहली बात तो हमारा धर्म हमें नहीं सिखाता कि हम किसी के दूसरे के धर्म की आलोचना करें, लेकिन फिर भी अगर इस तरीके की कोई चीज़ है तो हमें उन सब चीज़ों को समझना चाहिए कि भाई इस तरीके की कोई चीज़ ना हो कि दूसरे आदमी को, जिससे, क्योंकि कभी भी मंदिर का निर्माण अगर हुआ है तो किसी की भावनाओं को आहत करके, तो ऐसा कभी हमारे समाज सनातन धर्म में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम किसी की दिल को दुखा के हम मंदिर का निर्माण करें, और ऐसा मैं मानता हूँ कि ऐसा नहीं होने जा रहा।
और जब लोग जो है अपना अपनी इच्छा से दूसरे धर्म के लोग भी जो है उसमें साथ देंगे। गौरव जी, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, प्रदेश में आगामी एक साल के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तो शिवसेना की क्या तैयारियां हैं? जिस तरीके से आपकी महाराष्ट्र में सरकार बनी, पूरे देश ने देखा, अब उत्तराखंड के लिए शिवसेना की क्या रणनीति है? क्या शिवसेना अपने दम पे यहाँ चुनाव लड़ेगी, और उसके बाद क्या रोड मैप तैयार किया है शिवसेना, उसकी जानकारी जी। प्रदीप जी, आपने अच्छा सवाल किया, और मैं आपको बताऊं कि शिवसेना का जन्म 19 जून 1966 को शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे द्वारा किया गया, और उसमें ये चीज़ हमारे संविधान के अंदर रखी गई कि 80% समाज की सेवा और 20% राजनीति के तहत हम लोग काम करते हैं। आप देखिए कि पिछले 30 साल से हम लोग यहाँ उत्तराखंड राज्य के अंदर जो है शिवसेना के नाम पे काम कर रहे हैं, और सामाजिक कार्यों में अगर आप पाँच महीने का कार्यकाल देखें, पिछले को छोड़ दीजिए, अगर आप 5 महीने का भी कार्यकाल देखें, तो जो कार्य सरकार ने नहीं किया वो शिवसैनिकों ने कार्य किए। मैं बहुत फख्र करता हूँ अपने शिवसैनिकों पर, अपने साथियों पर, जिनके कारण आप देखिए कि सबसे पहली पीपी किट सरकार जो नहीं कर पाई वो भी शिवसेना ने किया, चाहे वो राशन वितरण हो, चाहे वो सैनिटाइज करना हो, चाहे वो डेंगू का वो करना हो, खाना बांटना हो, या कुछ भी करना हो, उसमें शिवसेना आगे के उसमें आई है। जितने भी हमारे पास साधन थे, सीमित साधनों के बावजूद हम लोगों ने कार्य किया। दूसरी चीज़ यह है कि पिछले 20 सालों में राज्य निर्माण के बाद दोनों दलों ने मित्र विपक्ष बन के इस राज्य को छला है। इस राज्य का निर्माण यहाँ की भौगोलिक विषम परिस्थितियों को देखते हुए किया गया था कि यहाँ पर पलायन रुके, यहाँ पर बेरोजगारी कम हो, क्योंकि हमारे यहाँ के 10 जिले जो हैं पूर्ण रूप से जो है वहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं जी, और आपदा का हमारा चोली दामन का साथ है। अगर आप कल की देखें तो एक दिन की बारिश ने जो है क्या तबाही पहाड़ के अंदर मचाई है, और 20 वर्ष राज्य को बने हुए हो गए, उसके बाद भी आज जो है इस तरीके की स्थितियां हैं जो निंदनीय है। अब जनता ने ये माना है कि बार बार, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, इन्होंने अपनी साठगांठ बना रखी है, और उस साठगांठ के अंदर हमारे प्रदेश की जनता पीसी जा रही है। पूरे पहाड़ बिक चुके हैं, पूरे पहाड़ खाली हो चुके हैं। अगर आप 20 साल पहले का पलायन का देखें और आज देखें तो वो बढ़ा ही है, घटा नहीं है। जिस राज्य निर्माण की हम लोगों ने परिकल्पना की थी, जिस राज्य निर्माण में यहाँ के लोगों ने, यहाँ की माताओं ने, बहनों ने, हमारे युवा साथियों ने जो आंदोलन किए, जिन लोगों ने बलिदान दिए, आज वो सपना जो है साकार होने की जगह राज्य तो मिल गया, लेकिन राज्य के अधिकार हमें प्राप्त नहीं हुए। तो अभी एक आंदोलन, मुझे ऐसा लगता है कि राज्य के अधिकार प्राप्ति के लिए शिवसेना चलाएगी और यहाँ के लोगों को उससे जोड़ेगी। तो क्या गौरव जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्या राज्य की जनता शिवसेना को तीसरा विकल्प देख रही है? देखिए, मैं आपसे बताऊँ कि जिस तरीके से हम लोगों ने कार्य किए, हमारे लिए राजनीति एक सेकेंड चीज़ है, दूसरा विषय है। पहला विषय हमारा सामाजिक कार्य है। हम लोग सामाजिक कार्य, अगर आप यहाँ से लेके अगर आप महाराष्ट्र तक देखें, पूरे देश के अंदर हम लोगों ने सामाजिक कार्यों में हम लोग अग्रणी है, और निश्चित रूप से हम लोग तीसरा विकल्प बनने की बात सोच रहे हैं, और ये तो तय जनता, देश की, प्रदेश की जनता ने करना है। हम उनके भरोसों पे खरा उतरेंगे, क्योंकि आप अगर आप देखें तो भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई अन्य दल यहाँ पे कार्य कर नहीं रहा है, कोई अन्य दल, कुछ भी सिस्टम यहाँ पे किसी का कुछ नहीं है, और मेरा मानना है कि देश की जनता को तीसरा विकल्प शिवसेना को मानना चाहिए, चुनना चाहिए। गौरव जी, नेशन वन के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? त्यौहार, महामारी, और जैसे कि प्रदेश के जो हालात हैं उसमें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आप दर्शकों? मैं सबसे पहले तो नेशन वन को सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक मुद्दे उठाने के लिए और निष्पक्षता के साथ जिस तरीके से आप दिखाते हैं, मैं आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद है, और इसी तरीके से निष्पक्षता के साथ आप करिए, ऐसी मेरी कामना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़ वन के माध्यम से प्रदेश की जनता को संदेश देना चाहता हूं कि इन सभी रक्षाबंधन की, बकरीद की, और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो राम मंदिर का निर्माण, जो शिला पूजन, जो शिलान्यास होने जा रहा है 5 तारीख की, मैं उन सब कार्यक्रमों की, उन सभी त्योहारों की करोड़ों देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ।
ये थे हमारे साथ शिवसेना के प्रांतीय प्रमुख गौरव कुमार जी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मिशन नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।